मुख्यमंत्री जी और उनके साथी कोई सी भी यात्रा निकालें, कोई सा पाखंड करें, लेकिन जो 4.5 साल का जो कुकर्म है, जो कुशासन है, वो उस सरकार की पहचान बन गई है। और लगातार ग्राम पंचायत से लेके लोकसभा तक जो भी चुनाव हुआ है पिछले 4.5 साल में, हर चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा साफ हुआ है। और हार इतनी बुरी हुई है कि जनता पहले ही प्रमाण दे चुकी है कि सरकार के बारे में क्या सोच रखती है। भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, मंत्री, सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री जनता के बीच जा नहीं सकते, और सरकारी तंत्र का प्रयोग करके आप यात्राएं निकाल कर दोबारा लोगों को बगड़ाने का काम करेंगे, तब भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। पब्लिक ने, लोगों ने, मतदाताओं ने, नौजवानों ने, किसानों ने मन बनाया हुआ है कि 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे उसमें आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी को पहले जवाब ये देना चाहिए कि पिछले 4.5 साल में जो लगातार करप्शन के स्कैंडल्स हुए, जो उजागर हुए, वो बेनकाब हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या किया है। और मुझे तो आश्चर्य है कि केंद्र का जो नेतृत्व है भाजपा का, उन्होंने अभी तक इस बात का स्पष्टीकरण नहीं करा है, क्योंकि हर नेता के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता तो सरकार छाती ठोके बताती, लेकिन वसुंधरा जी ने अपने शासन में भ्रष्टाचार किया और करने दिया, और उसका जवाब भी जब यात्रा में वो जाएंगी तो जनता पूछेगी उनसे, तब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं।